ओके सो ही एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। और दो केबलों में दो ऑप्शन होते हैं आपको कनेक्ट करने के लिए। जो सबसे सिंपल होते हैं वो होते हैं वीजीए केबल, जो ब्लू वाली होती है ना, बोल्ट वाली केबल, और एक होती है एचडीएमआई। ठीक है, एचडीएमआई और भी सिंपल होती है, तो मैं दिखाता हूँ आपको कैसे कनेक्ट करना है। तो जैसे कि देख सकते हैं मेरी टीवी में आपको यहाँ पे एचडीएमआई पोर्ट दिख रहे हैं ना, ये वाले दो। ठीक है, तो ये एचडीएमआई पोर्ट यहाँ पे दिया हुआ है इसमें। इस साइड से जैसे कि आप देख सकते हैं, इस साइड में आपको यूएसबी, ठीक है, यूएसबी का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे आपको जो नेट सेटर में जो केबल्स मिलती हैं वो तीन यहाँ पे ऑडियो वीडियो की मिल रही है, और एक वीजीए केबल मिल रही है। तो जैसे आप देखते हैं अभी मैंने वीजीए के थ्रू कनेक्ट किया हुआ है इसको। तो अगर आपके पास वीजीए केबल है, आपको वीजीए केबल से कनेक्ट करना है, तो आप वीजीए केबल लीजिए। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, आपके कंप्यूटर में एक ऑप्शन होगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे एक ऑप्शन होगा HDMI का, और एक होगा यहाँ पे जो डेस्कटॉप पोर्ट होता है ना उसका। ठीक है, तो यहाँ पे डेस्कटॉप पोर्ट और HDMI केबल, यहाँ पे आप दोनों कनेक्ट कर सकते हो। HDMI केबल अगर आपके पास है तो HDMI केबल आप नीचे टीवी पे कनेक्ट करिए, और डायरेक्ट आपका ग्राफिक्स कार्ड या मदरबोर्ड में भी एक ऑप्शन होता है, ये देखिए। ठीक है, HDMI लिखा हुआ है ना इस पर, तो आप इस पर डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अब आपके पास वीजीए केबल है अगर, ओके, तो जैसे कि आप देख सकते हो, मैं आपको यहाँ पे निकाल के दिखा देता हूँ ये वाला। तो इसको बोलते हैं डिस्प्ले पोर्ट। ठीक है, तो इसकी आप बनावट देख सकते हो यहाँ पे, इसको बोलते हैं डिस्प्ले पोर्ट, और ये जो पोर्ट है यहाँ पे, ये इसको बोलते हैं HDMI। तो मैंने क्या किया हुआ है, मुझे वीजीए केबल थी मेरे पास, इसमें वीजीए केबल कनेक्ट हो जाती है, और ये वाला मॉनिटर में भी वीजीए केबल होती है। तो मेरे को डुअल सेटअप करना था, तो मैंने वीजीए से HDMI कन्वर्टर, वीजीए से ये डिस्प्ले पोर्ट कन्वर्टर दोनों खरीद लिए। ये कन्वर्टर आपको मिल जाएंगे 80-90 रुपये या 100-150 रुपये करीब के, ये कन्वर्टर मिल जाते हैं। ठीक है, तो आप ये मेरा जो है HDMI केबल का है कन्वर्टर, तो मैंने VGA केबल इसमें कनेक्ट कर दी हुई है, और इसको लगा दिया HDMI में, जो मेरा ग्राफिक कार्ड है इसमें, ग्राफिक्स कार्ड के अंदर मैंने इसको लगा दिया है। ठीक है, इसके बाद मैंने जो मेरा डुअल सेकेंडरी मॉनिटर है उसको मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया इसमें, ठीक है, कन्वर्टर में, और ये है डिस्प्ले पोर्ट। ठीक है, तो मेरे ग्राफिक्स कार्ड में जो है डिस्प्ले पोर्ट है वो तीन है, और एक HDMI है। ठीक है, तो HDMI यहाँ पे आप देख सकते हो लगा हुआ है, तो ये वाला जो डिस्प्ले पोर्ट है इसको भी लगा देते हैं हम, ये लग गया डिस्प्ले पोर्ट। ठीक है, केबल्स कनेक्ट करने के बाद एक इशू जो है वो आपको ऐसा दिखेगा। ठीक है, अगर आपके पास डुअल मॉनिटर है तो, ठीक है, तो डुअल मॉनिटर जो है वो मैंने सेटअप कैसे किया उस पर मैं वीडियो एक स्पेशली बना लूँगा। ठीक है, तो आप जैसे देख सकते हो कि मैंने अपना जो टीवी है वो कंप्यूटर से कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, लेकिन अभी भी इसमें नो सिग्नल दिखा रहा है। तो आपको टीवी के साथ एक ऐसा रिमोट मिला हुआ होगा। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हो रिमोट का कुछ मतलब जो बनावट है वो अलग हो सकता है, लेकिन मोस्टली फंक्शन सेम होते हैं उसमें टीवी। तो आप इसमें देख सकते हो एक मेन्यू का भी ऑप्शन है, तो आपको यहाँ पे ऊपर आप जैसे कि देख सकते हो इसमें सोर्स लिखा हुआ है, सोर्स। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये लिखा हुआ है सोर्स। तो सोर्स का मतलब होता है कि आपको टीवी किस से चलानी, क्योंकि इसमें पोर्ट बहुत सारे हैं ना, HDMI पोर्ट भी है और VGA पोर्ट भी है, और काफ़ी सारे जो आपने ब्लू वगैरह पोर्ट देखे थे जिसमें ऑडियो वीडियो अलग चलता है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, अपने सोर्स बटन या कोई भी जो नया ऑप्शन होगा आप अपने नेट पे उसको देख सकते हैं कि उसमें सोर्स कहाँ से ओपन करना है। सोर्स का बटन मोस्टली सारी TPU जो अभी स्मार्ट TVs आ रही है उसमें मिल जाएगा। सोर्स पे क्लिक करना है, सोर्स के बाद ऐसी लिस्ट खुल जाएगी। ठीक है, तो इस लिस्ट में आप जैसे कि देख सकते हो सबसे ऊपर वो हैं जो तीन ऑडियो वीडियो की, इसके बाद PC आपको यहाँ पे दिख रहा है ना HDMI पे। तो यहाँ पे मैंने अपना VGA केबल कन्वर्टर के थ्रू कनेक्ट किया होता, ये HDMI पोर्ट वगैरह अलग अलग हैं इसमें। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे, अब मीडिया वाले ये तो वो हैं जो USB से कनेक्ट होते हैं, तो आपको क्या करना है PC पे जाना है, यहाँ पे जो PC ऑप्शन दिख रहा है और इस पर क्लिक कर देना है। अब जैसे कि आप देख सकते हो हमारी जो डिस्प्ले है वो आ चुकी है। अब इसी रिमोट के अंदर एक मेन्यू बटन होता है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो ये वाला। ठीक है, मेन्यू बटन पे अगर आप क्लिक करोगे ना तो आपको यहाँ पे सारी सेटिंग्स मिल जाएंगी टीवी की। आप अपनी सेटिंग्स अपने हिसाब से कर सकते हो, जितना आपको मतलब अपना जो लाइट है इसको धीमा रखना है, तेज रखना है, कितना कलर बढ़ाना है, वो आप अपने हिसाब से मॉनिटर के कलर के हिसाब से सेट कर सकते हो। ठीक है, तो यही थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, सिंपल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करना, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।